अगर एक लड़का और एक लड़की समाज, जाति, धर्म के बंधन को तोड़कर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उनके नाम का ढिंढोरा क्यों पीटना? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में ये सवाल उठाया गया है। कानून के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसके तहत कोर्ट मैरिज करने के इच्छुक जोड़ों की पूरी जानकारी शादी से पहले सार्वजनिक कर दी जाती है। कोर्ट ने आज इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए सरकार को नोटिस जारी कर दिया कायदा कानून के। इस वीडियो में बात इसी मसले की। धार्मिक रस्मों रिवाज की बजाय सरकारी मैरिज ऑफिसर के कार्यालय में होने वाली जो शादी होती है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों के तहत होती है। इस एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें जातियों का कोई बंधन नहीं होता। अगर लड़का और लड़की अलग अलग धर्म के हैं तो इस बात की कोई बाध्यता नहीं होती कि शादी से पहले दोनों में से किसी एक को धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी ये एक्ट और इस तरह से होने वाली शादी लंबे अरसे से प्रेमी जोड़ों को फायदा पहुंचाती रही है, उनके लिए लाभदायक हुई है, लेकिन अब इस कानून के एक प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। इसे निजता का उल्लंघन बताया गया है। केरल की रहने वाली कानून की छात्रा नंदिनी प्रवीण ने स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 6 के सब क्लॉज 2 और 3 को चुनौती दी है। इन सब क्लॉज में ये प्रावधान है कि कोर्ट मैरिज करने का इच्छुक जो जोड़ा है उसमें से कोई एक, यानी लड़का या लड़की, मैरिज ऑफिसर के सामने आवेदन देते हैं, उन्हें सूचना देते हैं कि वो इस तरह की शादी करना चाहते हैं। ये सूचना देते वक्त उन्हें अपना नाम, अपने परिवार का पता, माता पिता का नाम जैसी सारी जानकारियां मैरिज ऑफिसर को बतानी होती है। मैरिज ऑफिसर इस जानकारी को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं। 30 दिन तक ये पूरी जानकारी नोटिस बोर्ड पर लगी रहती है। इसके पीछे वजह है, ये बताई जाती है कि अगर किसी को शादी से आपत्ति हो तो वो इन 30 दिनों में उसे दर्ज करा दे। अगर 30 दिनों की मियाद पूरी होने के बाद भी कोई आपत्ति नहीं आती है कहीं से भी तो मैरिज ऑफिसर शादी करवा देते हैं। इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगी। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील कलिस्वरम राज ने कहा कि इस तरह से लड़के का और लड़की का नाम सार्वजनिक कर देना निजता का हनन है। सुप्रीम कोर्ट खुद निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे चुका है, ऐसे में ऐसी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर ऐसी जानकारी को सार्वजनिक किया जाता है, उसे यूं नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है, तो अक्सर शादी के इच्छुक जोड़ों की सुरक्षा को खतरा हो जाता है। कई ऐसे मामले देश में हुए हैं जहां पर कि ऑनर किलिंग, यानी कि लड़की या लड़के के परिवार की तरफ से जोड़े की हत्या तक कर दी गई है ये जानकारी सामने आने के बाद कि वो शादी करने जा रहे हैं। वकील की शुरुआती दलील को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन क्या आपको ये नहीं पता कि कानून में ऐसा प्रावधान क्यों किया गया है? अगर कोई किसी की पत्नी के साथ विवाह करने के लिए आवेदन देता है मैरिज ऑफिसर के सामने, तो पति को ये क्यों नहीं पता चलना चाहिए कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा करने की कोशिश की जा रही है? उसी तरह से अगर कोई जोड़ा घर से फरार हो गया है और उनके विवाह में वाकई कोई कानूनी अड़चन है, तो उनके परिवारों को ये जानकारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए कि उन्होंने कहीं शादी के लिए आवेदन दिया है? वकील ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैरिज ऑफिसर अपनी तरफ से कोई इंक्वायरी ना करे। वो इंक्वायरी कर सकता है इस बात की पुष्टि के लिए कि शादी कानूनी रूप से मान्य होगी या नहीं, उसमें कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है, लेकिन हमारा विरोध सिर्फ इस बात को लेकर है कि शादी के इच्छुक जोड़े का ब्यौरा
नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक क्यों किया जाए, ये निजता का हनन है और जोड़े की सुरक्षा को भी खतरा पहुंचाता है। इसके बाद बेंच के तीनों जजों ने थोड़ी देर तक आपस में विचार विमर्श किया और फिर इस याचिका पर नोटिस जारी कर दिया। दरअसल स्पेशल मैरिज एक्ट के इस प्रावधान के निजता के खिलाफ होने की दलील पहले भी दी जाती रही है, लेकिन ये पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और सरकार से जवाब मांग लिया है। ABP News आपको रखे आगे।